आज मैं आपको गुस्ल करने का सही तरीका बताने वाला हूँ। पहला, दोनों हाथ गट्टों तक धोएं। दूसरा, उसके बाद इस्तंजा करें और बदन पर जहां नजासत नापाकी लगी हो पाक करें। तीसरा, फिर वुजू करें। चौथा, कुल्ली के साथ गरारह भी करें। रोजे से होने पर गरारह न करें, सिर्फ कुल्ली करें। पांचवा, नाक में नरम बांसे तक पानी ले जाएं। छठा, अगर चौकी या पत्थर वगैरह पर गुस्ल करता हो तो वुजू करते वक्त पैर भी धो ले। अगर ऐसी जगह है कि कीचड़ से पैर भर जाएंगे और गुस्ल के बाद फिर पैर धोने पड़ेंगे तो पैर छोड़ दें। सातवा, तमाम बदन को थोड़ा पानी डालकर हाथ से मलें। आठवा, सारे बदन पर 3 मर्तबा पानी बहाएं। इसके बाद बदन को अच्छी तरह से मलें ताकि कोई जगह पानी पहुंचने से बाकी न रहे। नवा, पैर धोएं। दसवा, बदन भर में बाल बराबर भी कोई जगह सूखी रह जाएगी तो गुस्ल न होगा। मसला, गुस्ल की जगह पर्दा भी होना चाहिए। बेपर्दा नहाना जायज नहीं और बैठकर नहाना बेहतर है। मर्द को नाफ से घुटने तक और औरत को गले से टखने तक छुपाना फर्ज है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि औरों को फैज हासिल हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और नई इस्लामिक वीडियो की मालूमत हासिल हो।